राम राम जी। मैं आपका अपना एक किरो तक गया और भाई आज अपने शहर रोहतक में आ रहे हैं नीरज भाई। और नीरज भाई साइकिल यात्रा करते हुए रोहतक के अंदर आए हैं और इनका टारगेट है 1,11,111 किलोमीटर का टारगेट है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सर आपका क्या मकसद है ये टारगेट पूरा करने का? नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। नमस्कार मेरे प्रिय किसान साथियों, आदरणीय गुरुजी, समस्त भारतवासियों। मैं नीरज कुमार प्रजापति, द बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड द बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडिया, जो कि 1,11,111 किलोमीटर की मिशन ऑर्गेनिक बाइसाइकिल यात्रा कर रहा हूँ, जो कि पूरे भारत की ये यात्रा है, जिसमें मैं गाँव जाता हूँ और किसान भाइयों को जैविक खेती के प्रति जागरूक करता हूँ। जी जी, तो अब आप कहाँ से चले थे? ये यात्रा जो मैंने पिछले 9 अप्रैल 2019 से चालू कर रखी है, जो कि गांव आलाना, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत से। उसके बाद ये पहले सर्वप्रथम हरियाणा में की गई थी, फिर उसके बाद ये राजस्थान हुई, फिर ये दिल्ली हुई, फिर ये यूपी, मध्य प्रदेश हुई, फिर यूपी करके अभी मैं आया हुआ हूँ। और अभी कुछ दिन पहले ही मैं यूपी से आया हूँ, करीबन 1.5-2 महीना यूपी में मैंने यात्रा की थी। और अभी तक कुल मिला के मैं 22,560 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर चुका हूँ। और जो कि आज सुबह दोबारा मैं गोहाना से निकला था और अभी मैं रोहतक पहुँचा हूँ। रोहतक से होता हुआ मैं अभी भिवानी की तरफ निकलूँगा और बाकी आगे का रूट किसान भाइयों से फ़ोन पर बनता जाता आगे से आगे। जी, और सर जो हमारी आम पब्लिक है उनका कितना सपोर्ट है आपके साथ? सर पब्लिक का तो बहुत सपोर्ट है, मैं आपको बताना चाहूँगी। जो आप ये साइकिल देख रहे हैं, इससे पहले मेरे पास एक नॉर्मल साइकिल थी, 8,000 रुपये की साइकिल। उसके बाद अभी ये जो साइकिल है ये जनता के द्वारा 1-1 रुपये 11-11 रुपये दे के ही हाइब्रिड है, ये रेसिंग साइकिल है। तो ये पब्लिक के द्वारा ही कंट्रीब्यूट की हुई है, इसकी सर्विस मेंटेनेंस पूरा पब्लिक द्वारा होता है। और बाकी मेरा जो भी मतलब एक्सपीरियंस होता है रस्ते में, जहाँ वैसे तो होता नहीं है, पब्लिक सपोर्ट रहता है, लेकिन फिर भी पूरा जनता के द्वारा किया जाता है। और सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके जो आप साइकिलिंग करते हो जी, रस्ते में कोई प्रॉब्लम भी आती है या फिर सब? नहीं, रस्ते में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि पहले एक साइकिल का इशू रहता है, क्योंकि साइकिल अच्छी साइकिल है तो इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं मांगता। अभी जैसे यूपी करने गया था, करीबन 1.5-2 महीना जो रहा था उसमें एक भी पंचर नहीं हुआ, एक भी कुछ नहीं हुआ। तो और बाकी जो रुकने की व्यवस्था होती है वो आगे से आगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि विज्ञान केंद्र अथवा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान केंद्र क्षेत्रीय कार्यालय उनके और हमारे कृषि विश्वविद्यालय में और उनके क्षेत्रीय कार्यालय में रुकने की व्यवस्था हो जाती है। उसके अलावा हर गाँव में किसान भाई भी हैं, तो किसान भाइयों के पास रात को मैं वहीं जहाँ अंधेरा होता वहीं रुक जाता हूँ। जी बहुत बढ़िया भाई। और सर आपका अभी कोई रिकॉर्ड वगैरह है या फिर? नहीं, एक्चुअली मैं किसी रिकॉर्ड के लिए काम नहीं करता, क्योंकि रिकॉर्ड के लिए क्या होता है, जब आप रिकॉर्ड का अवार्ड के लिए काम करने लगते हैं तो तब आप अपनी ज़मीन छोड़ देते हैं, आप सिर्फ वो डाटा मेंटेन करते हैं जिसमें आपकी तारीफ हो। तो इसलिए मैं सिर्फ रिकॉर्ड तो कुछ नहीं, मैं बाकी हाँ एक 10 किलोमीटर मेरे कंप्यूटर में वो चलते रहते हैं, कितने किलोमीटर की मेरी ट्रैवलिंग हुई है डाटा, वो मेरे मैं ऐप से यूज़ करता हूँ, उसमें मैं जितना ट्रैवलिंग होती है वो मेरे ऐप में आ जाता है शाम को। और बाकी मेरी वॉच से भी, मेरी जो वॉच है इसमें भी किलोमीटर का पता चल जाता है मेरा दिन का कितना ट्रैवलिंग हुआ है। और बाकी अवार्ड की बात करें तो देखिए, मैंने जो ये कार्य किया है ये एक सेवा के लिए किया है और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। तो इसमें मैं किसान भाइयों को, हमने वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी चालू किया गोहाना में, जो कि हिसार यूनिवर्सिटी से हमने केचुए लिए थे और उसको हमने पिछले 2019 में मैं धनतेरस के दिन लाया था अक्टूबर में, और उसको मैंने ब्रीडिंग करके बढ़ाए हैं। और अभी तो शुरुआत में तो हमारे पास थोड़ा कुछ लिमिटेड केचुए, हम किसान भाई को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। अगर कोई किसान भाई सीखना चाहता है केचुए के बारे में, तो केचुआ खाद के बारे में, वो आ भी सकता है गोहाना में। उसके अलावा जो किसान भाई बनाएंगे उनके हमने जो प्लान किया है कि जो किसान भाई निजामपुर में बना रहे हैं तो उसको हम सेलिंग में भी मदद कर रहे हैं, जो सिटी में गमले यूज़ करते हैं उनको सेल कराने का भी काम करते हैं केचुआ खान। उसके अलावा अगर कोई किसान भाई बनाता तो बहुत अच्छी बात है, और मेरे से जो मदद चाहिए आप किसी भी टाइम गोहाना आ सकते हैं, या फिर मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं, 8962955685 मेरा मोबाइल नंबर है। उसके अलावा आप गूगल पे द बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चर या बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडिया के नाम से सर्च कर सकते हैं। और सर आपका कोई यूट्यूब चैनल और? हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है द बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के नाम से, जिसपे आपको वीडियो भी मिल जाएंगी मेरी रस्ते की, मीडिया की, या फिर मैंने कहाँ पे क्या कार्य कर रहा हूँ किसान भाइयों के साथ जुड़ के। बाकी वो मेरी कोई वीडियो ऐसे बनाता नहीं हूँ मैं, बस वो सिंपली होती है कि मेरे पास मोबाइल में डाटा स्टोरेज की दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए वो सिंपल मैं वहाँ अपलोड कर देता हूँ। अगर किसी भाई को देखना चाहे तो देख सकता है वहाँ से। अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो सिर्फ मोबाइल नंबर ही है? मोबाइल नंबर है, और कोई वेबसाइट? मोबाइल नंबर भी है, वेबसाइट भी है, www.bicyclemanofagriculture.com ये मेरी वेबसाइट है, ब्लॉग है। इसके अलावा मेरा जो मोबाइल नंबर है 8962955685, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कभी भी। और उसके अलावा बाकी आप फेसबुक पे मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, नीरज कुमार प्रजापति से मेरा अकाउंट है। ट्विटर पे मेरा भी है बाइसाइकिल इंडियन के नाम से। उसके अलावा इंस्टा पे भी है बाइसाइकिल इंडियन के नाम से। और सर जो एक नॉर्मल सी बात है जी, हम सभी इंसानों के लिए, जैसे हम कहीं पर भी जाते हैं, आप तो फिर भी घर से बाहर ही रहते हो हमेशा, तो नहाना धोना खाना पीना सब वो सब कैसे? सब आगे से आगे पब्लिक का सपोर्ट रहता है, सब आगे से आगे जी।
अभी जैसे हम रोहतक में खड़े, तो अगर मेरे को रोहतक में अभी मेरे को कुछ है तो रोहतक में भी मोर देन 30 या 40% मेरे जान पहचान के हैं। मेरे कुछ बचपन के भी दोस्त हैं जो मेरे साथ बचपन में, मेरे पापा जब BSM में सेवा करते थे तो वहाँ पे मेरे साथ पढ़े हुए 6-7 क्लास में, अभी इन सेक्टर में रहता है। तो मेरे यहाँ पे अगर मैं रोहतक में भी अभी किसी टाइप की मदद चाहिए तो पब्लिक तो है ही साथ में, और कुछ मेरे पुराने दोस्त भी हैं रोहतक में अभी। और सर्दी, सर्दी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती आपको? नहीं, सर्दी में कोई नहीं है बाकी, क्योंकि शरीर है मेरा ना तो कोई मेरा नशा है, ना तो मैं कोई ड्रिंक करता, ना तो मैं कोई स्मोकिंग करता, मेरा कोई नशा नहीं है और ना मेरा कोई ऐसा बाहर का खाने का है। मैं देसी खाना अपना घर का रोटी खाई और बढ़िया मौज मारी चटनी के साथ, लस्सी के साथ। जी बहुत बढ़िया। और माँ बाप का कितना सपोर्ट है? माँ बाप, माता पिता का तो पूरा सपोर्ट है, क्योंकि मेरे पिता, हमारा जो पूरा परिवार है जय जवान जय किसान जय विज्ञान पे काम करता है। पिताजी ने 22 साल देश की सेवा की है जय जवान के में, और जय किसान पे मैं काम कर रहा हूँ। जय विज्ञान पे मेरे बड़े भाई ऑल इंडिया रैंक वन है मास्टर पंकज कुमार, जो कि ग्वालियर में है, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करते हैं 36 देशों में उनकी कंपनी है। जी सर। और भाई, ये भाई थे हमारे साथ नीरज भाई, जो कि आपने देख लिए। अगर आपके शहर के अंदर आए तो आप एक बार और बता दीजिए कि अब आप रोहतक से कहाँ जाने वाले अभी हैं? मैं अभी भिवानी रोड निकल रहा हूँ, भिवानी। और बाकी मेरा मोबाइल नंबर सबसे बेस्ट है, मेरा मोबाइल नंबर आप उसको ट्रैक करते उस पर बातचीत करते रहेगा। कुछ नहीं, आप सिंपली मेरा मोबाइल नंबर सेव कर लीजिए ताकि आपको मेरा स्टेटस भी दिखता रहे। आप मेरे को मेरा मोबाइल नंबर सेव करके मेरे को हाई कर दीजिएगा, नाम लिखे और जगह, मैं उसी जगह से और लोकेशन के हिसाब से सेव कर लूँगा। क्योंकि क्या होता है, जिस लोकेशन पर मैं जाता हूँ, गाँव गुजरता हूँ, तो मैं मोबाइल में देखता हूँ उस लोकेशन के कौन कौन से नंबर, उन्हीं को कॉल कर देता हूँ। जैसे मैं भिवानी पहुँचूंगा तो मेरे मोबाइल में भिवानी लिखूंगा, जो जो भिवानी के कॉन्टैक्ट होंगे सबको मैं फ़ोन करूँगा कि भाई मैं भिवानी आने वाला हूं, अगर आप लोग हो तो मैं आपके घर आ जाऊं। ऐसे घूम घूम के ऐसे खेतों में किसानों से मिलता रहता हूं। और बाकी सबसे बेस्ट तो यह व्हाट्सएप पे कर लीजिए, और क्योंकि मैं वहां से, जैसे मैंने अभी मेरे अगर नंबर सेव करके आप मेरे को हाई करो, फिर स्टेटस देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि ट्रेवलिंग टू रोहतक फ्रॉम गोहाना, सुबह का स्टेटस डला, अभी एक डल जाएगा, डला है कि रीच नेट रोहतक, अभी फिर एक डलेगा ट्रेवलिंग टू भिवानी, ऐसे करके। जी भाई, अगर आपके शहर में हमारे नीरज भाई आए तो फुल सपोर्ट देना। इसमें एक ही निशानी है, अभी थोड़ा सर्दी है इसके कारण, बाकी मेरे साइकिल की ये निशानी है, ये मेरे साइकिल के पीछे लिखा हुआ, उसके अलावा टी शर्ट भी है, वो उसमें लिखा रहता है सर्च ऑन गूगल बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। बाकी आप इसको देख लीजिए, मैं ये मेरी साइकिल के पीछे की निशानी की, मैं नीरज कुमार हूँ, ये जो साइकिल पर चल रहा है। जी जी, बहुत बढ़िया। और भाई सारे भाई सपोर्ट करियो भाई, बहुत बढ़िया एक मुहिम लेके चल रहे हैं। और हम यही आश करेंगे कि भाई साहब ऐसे ही भाई का सफ़र बहुत अच्छे तरीके से पूरा हो। और सर, आपका कुछ अलग सी चीज़ जो आप नेक्स्ट टाइम करना चाहते हैं? नहीं, अभी तो मेरा यही है कि अभी हम धीरे धीरे कर रहे हैं, जैसे कि हमने गोहाना में कुछ भाई अगर इसको वर्मी, जैसे हमने अभी एक वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाई है, किसान भाइयों को जागरूक करके उनको प्रोडक्शन करा, उनको सेलिंग में भी मैं मदद कर रहा हूँ। उसके अलावा इसके साथ साथ अभी कुछ एक दो और इनोवेशन है, कुछ टेक्नोलॉजी है यूनिवर्सिटियों से मैं लूँगा, उनका हम प्रोडक्शन भी स्टार्ट करेंगे। और आने वाले टाइम में मेरा ये, हमारा ये उद्देश्य है कि हम एक रिसर्च इनोवेशन फाउंडेशन स्टार्ट करें अपने हरियाणा के, पूरे इंडिया लेवल पर, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो कृषि छात्र जिनको जॉब की दिक्कत आती है और जिनके पास बहुत अच्छा माइंड है, रिसर्च करना चाहते हैं, सब मिलकर काम करें। क्योंकि देखिए, हमें ज़्यादा फंडिंग नहीं चाहिए, हमें अर्निंग ज़्यादा नहीं चाहिए, और हमें बस इतना है कि हमारा जो, हम सब भाई जो मिलकर कार्य करें, उसका कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर जो हमारा जो लागत है किसान भाइयों की, या जो हमारे कृषि छात्रों की जो शोध कर रहे हैं उनकी, वो हमें सिर्फ कहीं ना कहीं से हम प्रोवाइड होती रहे, और कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को साथ मिलकर चलें और हमारा रिसर्च वर्क चलता रहे। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सोच के साथ चल रहे भाई साहब, ये बहुत अच्छा चैनल है रोहतक यावा। बाकी ठीक है, मैं भी उसको देखता हूँ, और जो भी होता है वीडियो आप डालिएगा या फिर मेरे को लिंक दीजिएगा, मैं उसको शेयर करूँगा। और आप सब भाई से वही कहना चाहता हूँ कि आप देखिएगा इनके चैनल पे क्या, इनके, हम इनके चैनल को कैसे आगे बढ़ाएं, और इनके चैनल पे हम क्या नई चीज़ें ऐड करें, वो भी इनके जरूर सजेशन कीजिएगा, और मुझे भी ज़रूर अपने व्यू दीजिएगा अपने। मैं ये चाहता हूँ कि आप सिर्फ देख के ताली ना बजाएं और सैल्यूट ना करें, इसके बारे में अपना योगदान जरूर दें। आप अपने कोई सजेशन, आपके आपके जो सजेशन है वो मेरे लिए भी बहुत जरूरी है, एक रोहतकिया भाई के लिए और यूट्यूब चैनल के लिए भी बहुत जरूरी। जी बिल्कुल। और दोस्तों, ये थे हमारे साथ नीरज भाई। और